सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इस दौरान डेली रूटीन चेकिंग के दौरान अंतर राज्य वाहन चोर गैंग के 7 सदस्य व चोरी की 12 मोटरसाइकिल के साथ ही एक अन्य मोटरसाइकिल के पार्ट बरामद किए। घटना का खुलासा करते हुए सहारनपुर एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि डेली रूटीन चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग सहारनपुर के जिला अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें अन्य राज्यों में बेचने का काम करते थे। इनमें से राजा नाम का व्यक्ति इस वाहन चोर गैंग का लीडर है। ये पहले इस तरह का कृत्य करते आए हैं। इनके खिलाफ पहले भी इस तरह के मामले में मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए सभी 7 अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस की ओर से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये पिछले 7 दिन के भीतर आपको जानकारी है कि ये दूसरा बड़ा खुलासा कोतवाली नगर पुलिस ने किया है। कोतवाली नगर पुलिस की टीम ने कुछ दिन से कुछ बदमाशों के बारे में जानकारी मिल रही थी, उनके पीछे लगे हुए थे। आज एक बड़े गैंग का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की। आपको जानकारी है 12 मोटरसाइकिल्स जो चोरी गई हैं शहर के विभिन्न स्थानों से, और इसके अलावा कुछ और मोटरसाइकिल्स जिनके बारे में, चूँकि उसके इंजन नंबर चेसिस नंबर वगैरह डिस्ट्रॉय करके उसको विरूपित करके जो है उसको विरूपित किया गया है, तो उसके बारे में जानकारी की जा रही है। लेकिन चूंकि हमारे पास समय की बाध्यता है, 24 घंटे के भीतर हमको इन मुजरिमों को माननीय न्यायालय के सामने अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत करना है, तो इसलिए अभी इतनी ही गाड़ियों के बारे में जो है जानकारी पूरी तरह से हो सकी है। एक प्रेस नोट आपको दिया जा रहा है जिसमें आपको सभी अभियुक्तों का जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो आपको मिलेगी। फिर राजा नाम का जो अभियुक्त है यही इस गैंग का लीडर है, और इनके द्वारा जगह जगह पर जा करके एक गैंग बना करके ये मोटरसाइकिलों की चोरी करते थे। खासतौर से ये चोरियाँ जनकपुरी में अस्पताल के आसपास जो लोग आते थे अपने मरीजों को लेकर के और अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी कर जाते थे, वो चोरियाँ हैं। साथ ही साथ सदर बाजार क्षेत्र की चोरी है। इसी गैंग का खुलासा करने के दौरान एक मोबाइल जो चुराया गया था एक महिला का भी कुछ दिन पहले सदर बाजार क्षेत्र में, जिसकी घटना पंजीकृत है, उसका भी खुलासा हुआ है। इनसे पूछताछ करके विवेचना के क्रम में और अधिक गहरी जानकारी करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें 7 अभियुक्त गिरफ्तार हैं और इनसे पूछताछ के आधार पर इसमें विवेचना के क्रम में और लोगों के नाम भी जो प्रकाश में आएगा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी इनसे पूछताछ में तो काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। जो हमारी मोटरसाइकिल से लिंक हुई हैं वो कुछ हरिद्वार की भी हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें सहारनपुर जनपद की हैं। इसके अलावा कुछ भगवानपुर हरिद्वार से भी इनका लिंक प्रकाश में आया है। पूछताछ के दौरान और राज्यों में भी आया, इस स्तर पर उन सारे नामों का खुलासा करना ठीक नहीं होगा, विवेचना के हित में नहीं है। इनका बड़ा लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री रही है और वो सभी आपको जो प्रश्न नोट दिया जा रहा है उसमें क्रिमिनल हिस्ट्री उसमें मेंशन करी गई है।